हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और डीआईवाई शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपने घर को कैसे होम डेकोर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने इसको कुछ एक चार्ट पेपर ब्लैक और एक ग्रीन पेपर से किया है, और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे किया है तो फिर जल्दी से अपने वीडियो में मूव ऑन करते हैं। लेकिन मूव ऑन करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ देखने को मिलते हैं बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीडियोज़ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो में अपने मूव ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इसके लिए चाहिए एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर और एक ग्रीन कलर का फोम वाला चार्ट पेपर आता है, ये 15 से 20 रुपए में इजीली मार्केट में मिल जाता है। और हमें चाहिए एक कैची, स्केच पेन, 2A टेप। तो सबसे पहले हम अपने चार्ट पेपर पे एक रफली आइडिया बना लेंगे कि हमें कितना बड़ा ट्री चाहिए है, वो उस आइडिया से हम एक पेड़ का शेप यहाँ पर दे लेंगे। आपको जिस तरह का पेड़ बनाना हो, ट्री बनाना हो, आप उस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल एक ट्री बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो अब हमें एक कैची की हेल्प से इसे अच्छे से काट लेना है। जितनी भी ब्रांचेस हैं वो बहुत ही क्लियर शार्प कटनी चाहिए। तो बचे हुए पेपर में हम और ब्रांचेस बनाएंगे और फेविकॉल की हेल्प से उसको अच्छे से चिपका देंगे। आपको पेड़ में जहाँ जहाँ ब्रांच लगानी हो, आप अपने हिसाब से, अपने आइडिया से ब्रांच बना सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से इसमें ब्रांच लगा रही हूँ, आपको जैसे पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं। अब हम ग्रीन वाला पेपर लेंगे और एक उसमें स्टेंसिल की हेल्प से लीव्स बनाएंगे, मतलब कि पत्ती बनाएंगे, और पत्ती की शेप से हमें जितनी भी लीव्स चाहिए वो हम कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ सारी लीव्स जो हैं वो काट ली हैं और मैं इसे सेट करके देख लूँगी कि मुझे कहाँ कहाँ पे लीव्स लगानी है, फिर मैं 2A टेप की हेल्प से उसको अच्छे से चिपका दूँगी। अब हम अपने पेड़ को पीछे पलटेंगे और पीछे हम एक 2A टेप लगाते जाएंगे। जहाँ जहाँ हमें दीवार पे चिपकाना है, अपनी वॉल पे लगाना है, वहाँ वहाँ हम टेप लगा लेंगे। इससे हमारा जो ये ट्री है बहुत अच्छे से वॉल पे चिपक जाएगा और टेप जो है दिखाई भी नहीं देगा। हमें इसे प्रेस करते हुए लगाना है जिससे कि जो टेप है वो अच्छे से वॉल पर चिपक जाएगा।
आप चाहें तो आप इसे फैमिली ट्री भी बना सकते हैं, अपने फैमिली की पिक्चर से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पे लाइट लगा रही हूँ जो फेरी लाइट होती है, आपके घर में आराम से मिल जाएगी, दीपावली में लाइट आती ही है और ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है और ये आराम से आपके घर में बहुत अच्छे से सुंदर लगेगा और बन भी जाएगा। सिंपल सा बताया है, ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।